आवाज ज्यादा हो रही है, कम थोड़ी सी, भाई थोड़ी सी कम कर लीजिए। हेलो हेलो, फिर लोग आएगी तो वहां घनी आवाज हो सा थोड़ा ऐसा मरो। हेलो, थोड़ी सी आवाज अब ठीक है जी। हाँ, इतना तो होना चाहिए जो सुनाई आ जाए। और किस प्रकार से पाएगा। सजनों, नंबर पहली कली के माध्यम से बताया कि आने वाले समय में माता पिता की इज्जत नहीं होगी, मान सम्मान नहीं होगा। सजनों, आने वाला समय तो बिल्कुल छोड़ दो, आज भी बहुत से घर ऐसे हैं, 90% घर ऐसे हैं जहां माता पिता की इज्जत आदर सम्मान नहीं होता। आइए पहली कली के माध्यम से क्या लिखा, कैसे भाई मात पिता दिखे, मात पिता और बुआ भाणका, मात पिता और बुआ भाणका नहीं कि ये मरेगा नहीं मरेगा। आज का माहौल, आज का जमाना ऐसा आ गया कि कलयुग आ गया। प्रेमी सजनों, ये कलयुग ऐसा आ गया किसमें ना मात पिता है, ना प्यार है, ना विश्वास है, कुछ नहीं है, बस पैसे का स्वार्थ है। नंबर दो में क्या लिखा और क्या बताया सुनेगा। वरण बहेंगे चारों छतरी, वरण बहेंगे चारों छतरी, सुंदर पितर पानी चार
अपन में रहे धन की गैल जानिए, कर्म करनिया मर कलयुग में जिम में जहर खानिए, उता के उत कहां वेंगे जो गंगा बीच नहाड़िए, उता के उत कहां वेंगे जो गंगा बीच नहाड़िए, उस गंगा की परवा में लोगों गंगा की परवा में लोगों कौन को तलावेगा, जति सती सतवती मन से अच्छी बात लिखी और बताया कि नंबर तीन में क्या क्या होगा, सासू तो रोटी पोवेगी, बहू दरोगा हुकम चलावेगी, साली बर्तन धोवेगी, नंबर तीन के माध्यम से ये बता दिया और ये भी बता दिया कि यहां तक हद हो जाएगी, पोता और दादा का खून तक नहीं मिलने का। तीसरी बात में क्या लिखा सुनेगा कैसे? बाई पास बाई पास पहाड़ बैठेगी, बाई पास पहाड़ बैठेगी, साली रोटी पोवेगी, बहु दरोगा हुक्म चलावे, सासू बर्तन धोवेगी, पति न छोड़ के वीर भाग जा पोते का खून मिले ना ईब तलक हद हो गएगी, दादा पोते का खून मिले ना ईब तलक हद हो गएगी, नकली प्योदा चढ़े घर घर में, नकली प्योदा चले घर घर में, असली बीज मिट जावेगा, सती सती सतवादी मानस रुपए तू ही ले जा साबुन लेके नहा लिए, नहा के आज तो नहावे मत ना, और बेरानी कदे साल भर में एक ही बार नहाता हो, रोज नहावे कलर ऐसा है। 10 रुपए से मान सम्मान किया, 20 रुपए से मान सम्मान किया, और 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं डिगल निवासी, रुक जा शमशेर जी, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं पंडित जी की रागनी पे खुश होकर, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आखिरी और अंतिम कली में पंडित जी ने पूरी रागनी का निचोड़ कर दिया और बताया कि आगे आने वाले समय में गौ की सेवा भी नहीं होने की। सजनों, आज के जमाने में जितने लोग गौ माता को बचाने में अपनी जान दे देते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा लोग गौ को काट देते हैं। आखिरी बात में बताया और क्या बताया सुनेगा, हाँ
की सेवा कौ ब्राह्मण साधु की सेवा कम से कम हो जागी दारू सुल्फा पी बढ़िया की शर्म खत्म हो जागी इबते मरद खसम बन रे फिर बीड़ी चाय पीण की आम रसम हो जागी धन्यवाद।